बात सुन, बात सुन मेरी, कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ, मेरी 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 आवाज को सुन क्यों नहीं रही थी? मैंने ना बड़ी देर हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरी ना चक्कर आ रहा है, इसलिए फटे पे बैठा था, भूख भी बड़ी लगी है, मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दे, मेरी दोस्त नहीं है, खिलाएगी? चल आ जा, चल। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी माँ की कंगन उस खुसरे को देते हुए? अब नहीं मिलने वाले वो तुझे पहचानेगी ही नहीं, तो उसके सामने भी चला जाएगा ना, तब भी वो बोलेगी तू कौन है। ऐसी की होती है उसकी तैसी। हाँ, मुझे पहचाने के लिए उसको, उसने पहचानना है मुझे। अभी तो मैंने उसके लिए इतने ज्यादा जेवर खरीद के उसको गिफ्ट पैक में डाल के उसको कहना है ये लो जाने मन तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, और उसके साथ ना शादी भी मनानी है मैंने। तुझे मुमताज बेगम के अलावा और कोई नहीं मिला शादी के लिए? नहीं, मैं जब पहली दफा अपनी जान कहते हैं ना, शादी वाली जिसे शादी करनी होती है, जान जो मिल के आया था, तो मैंने घर आके ना रिजवाना टाई को काटा, रिजवाना चची को काटा कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। मुझे कहती है जा कर शादी कर, और ऐसे नाक फुला के चली गई। मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैंने ना अब मुमताज बेगम के साथ हर सूरत में शादी करनी है, और दिखाऊंगा मैं अपनी चची को कि ये ले देख, ये मेरी दुल्हन है, लेके जाऊंगा ना जिन घर, फिर पता लगेगा उसको, और अगर अगर हिसाब लगाया जाए तो मेरी मुमताज बेगम मेरी जान, मेरी दिल भर जो है वो मेरी चची से तो ज़्यादा प्यारी है ना भाई, है ना भाई जान, है ना। तो क्या हो गया अगर उसका धड़ लुमड़ी गया, मुँह तो आए 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 प्यारा है ना, मुँह तो प्यारा है, और मेरी चची का जो धड़ है वो इंसानों वाला है, मुँह लुमड़ी वाला है। लुमड़ी।